फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ढोकले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए हमने 2 कटोरी बेसन ले लिया है, कड़ी पत्ता लिए हैं, हल्दी, नमक, हरी मिर्ची, सिट्रिक एसिड, चीनी, राई और इनो। सबसे पहले हम चीनी और सिट्रिक एसिड में थोड़ा गर्म पानी डालकर इसे 5 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा घुल जाए। अब हम बेसन को छान लेंगे। हमने 2 कटोरी बेसन ली है। अब बेसन में हम सिट्रिक एसिड और चीनी का जो पानी बनाया था हमने, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। हमें इसकी इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक बेसन को रेस्ट करने के लिए रख दिया है, तब तक हम उसके लिए स्टीमर रेडी कर लेंगे। हमने बड़े बर्तन में स्टैंड और पानी डाल दिया है। इसे हम उबाल आने तक 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ढोकला बनाने के लिए इसके लिए मोल्ड रेडी कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे ग्रीस कर लेंगे। इसे हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। बेसन को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 पैकेट इनो डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इनो हमें बेसन में उसी टाइम डालना है जब हमारा स्टीमर रेडी हो जाए, क्योंकि इसे ज़्यादा देर डालकर रख नहीं सकते हैं। इसे हमें एट ए टाइम डालना पड़ता है। अभी मिक्सचर काफ़ी फ्लफी हो गया है। अब हम इसे मोल्ड में निकाल लेंगे। अब मिक्सचर को हम मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसे 1-2 बार टैप कर देंगे ताकि बेसन इसमें अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। स्टीमर भी रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपना मोल्ड रख देंगे। इसे हम कवर करके 20 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे।
ढोकली को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। अब हम नाइफ की हेल्प से चेक कर लेते हैं। ढोकला बनकर एकदम रेडी है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर हम इसे गरम गरम निकालेंगे तो ढोकला हमारा टूट जाएगा। जब तक ढोकला ठंडा हो रहा है तब तक हम ढोकले के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करने के रख देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची, एक चौथाई चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। अगर आपको ढोकला मीठा पसंद हो तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें एक गिलास पानी ऐड कर देंगे। इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसे उबाल आने तक पका लेंगे। तड़का अब रेडी हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब ढोकला भी एकदम ठंडा हो गया है, इसने अपनी साइड्स भी छोड़ दी हैं। अब हम नाइफ की हेल्प से इसे निकाल लेंगे। अब इसे हम ट्रे में निकाल लेते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसके ऊपर तड़का डाल देंगे। इसके ऊपर हमने तड़का डाल दिया है, अब ढोकला हमारा सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।